दोस्तों, अगर आप भी वानिंदु हंसरंगा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका की टीम की पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका पर फिदा और श्रीलंका की जीत पर बधाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई टीम को किया मालामाल। और आखिरकार श्रीलंकाई टीम को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इनाम दिया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वानिंदु हंसरंगा और हार्दिक पांड्या में से कौन बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां पाकिस्तान की टीम को फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने 23 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया। जी हां दोस्तों, के साथ श्रीलंका ने छठवीं बार एशिया कप टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इससे पहले श्रीलंका ने सबसे पहले 1986 में एशिया कप का खिताब जीता था और इसके बाद 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में टीम ने टाइटल अपने नाम किया है। तो वही भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार यह खिताब जीता है और श्रीलंका अब उससे बस एक खिताब दूर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह अप्रैल 2014 के बाद पहली बार है जब श्रीलंका ने लगातार 5 T20 जीते हैं और इससे पहले टीम ने बांग्लादेश में 2014 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में लगातार 5 T20 मैच जीते थे। और इसी के साथ श्रीलंका ने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पिछले 31 T20 का सबसे कम टोटल डिफेंड किया है। तो वहीं इससे पहले दुबई में पिछले 31 T20 मैच में सबसे कम स्कोर जो डिफेंड किया था वो था 172 रन। और 2021 T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के स्कॉटलैंड के खिलाफ 172 रन को डिफेंड किया था। और अब एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 170 रन को डिफेंड किया है। तो वहीं इस मुकाबले में भानुका राजपक्षे को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो इसके अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में वानिंदु हंसरंगा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। और इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुश होकर श्रीलंका की जीत पर बधाई देते हुए श्रीलंका टीम को मालामाल कर दिया है। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को टीम पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि ये नई श्रीलंकाई टीम है जो दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाने के लिए तैयार हो चुकी है। और श्रीलंका की टीम ने इस टूर्नामेंट में अकल्पनीय प्रदर्शन कर अपनी क्रिकेट टीम और अपने देश के लिए नाम रोशन किया है और पूरे भारत देश को इस कठिन परिस्थिति में मदद पहुंचाने के लिए गर्व महसूस कराया है। तो इस मुकाबले में हीरो रहे भानुका राजपक्षे और भारतीय सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है, जिन्होंने 71 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला और श्रीलंका को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा वानिंदु हंसरंगा और प्रमोद मधुसन को 20-20 लाख रुपए नकद इनाम देने का वादा भारतीय सरकार की तरफ से है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके श्रीलंकाई टीम को जीत दिलाई, जिसमें वानिंदु हंसरंगा ने 3 विकेट तो वहीं प्रमोद ने 4 विकेट श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 23 रन से जीत दिलाते हुए छठवीं बार एशिया कप टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 किस खिलाड़ी के कारण जीत पाई है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।